अपने साथ अभी फिलहाल में जुड़े वाले सर जो है वो रूपारेल मुंबई के जो प्रसिद्ध कॉलेज है, और सर खुद का नाम, सर का नाम है सुहास आगरे सर। सर खुद एक लेक्चरर्स है, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर सर है। सर शायद बोर्ड में एचएससी बोर्ड का जो काम होता है, जो पेपर चेकिंग, मॉडरेशन, बहुत सारे काम और बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और बहुत फेमस कॉलेज है। आपको भी पता होगा मुंबई का रूपारेल कॉलेज एक बहुत फेमस कॉलेज है। सबसे पहले सर मैं आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ और साथ में टीचर डे की बधाई भी देना चाहता हूँ। तो सर कुछ नहीं, सवाल है, आप मराठी में बात कर सकते हैं या हिंदी में, आप जो चाहे उस लैंग्वेज में हम लोग बात करना चाहते हैं आपके साथ। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले सर कुछ बच्चे के सवाल है, क्योंकि प्रोग्राम में बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं हमेशा हमेशा। तो बच्चे के सवाल होते हैं कि सर आप अभी लेक्चरर हो, एक एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो उस हिसाब से आपको जो एचएससी बोर्ड है, तो बोर्ड के हाँ पेपर भी आपने चेक किए हैं, तो उसके बारे में बच्चे को हाउ टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कैसे कर सकते हैं, इस हिसाब से बच्चे को थोड़ा गाइडेंस करना है आपको। साथ में सीईटी के लिए भी कुछ चीजें बतानी है, जैसे कि बोर्ड लेवल पे जो बुक्स पढ़ते बच्चे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सवाल उठाना चाहिए, कैसे न्यूमेरिकल्स करना चाहिए, कैसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सभी चीजें के ऊपर आपको कम समय में कैसे बच्चों को गाइडेंस कर सकते हैं। तो प्लीज सर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस करें। ओके धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, दिनेश सर और आपका, आपकी जो पूरी टीम है वो सबको मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो सवाल पूछा है कि बच्चे कैसे स्कोर करेंगे एचएससी बोर्ड में, तो मैं अभी बता दूँ कि आपको मेरा एज पर माई एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years आई एम करेक्टिंग पेपर्स। So most of the peoples, I'm finding their difficulties while writing their questions. Okay, and the most of the students, they are facing the difficulties in studying physics. Many of them, they are getting very low score in physics. So why it is so? Okay, so there are some reasons behind it. हम कुछ problems हैं उनके वो find out कर सकते हैं। मैंने actually analysis करके find out कर दिया था। तो यूजुअली मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स, वेन एवर द स्टूडेंट्स आर टेकिंग साइंस, ओके सो द साइंस इज बेसिकली इट्स रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ स्टडी, ओके बट वाइल स्टडिंग साइंस एंड वेन वेन देर इज अ नेम, इट इज कॉल्ड फिजिक्स, इट इज कम्स देयर, द स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग कंफ्यूज, दे आर गेटिंग थोड़ा सा उनको टेंशन आ जाता है, नर्वसनेस आता है कि फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का स्टडी कैसे करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये मोटिव होता है कि वो फिजिक्स कंपलसरी है इसलिए हमने फिजिक्स लिया है, अदरवाइज वी कैन ऑप्टेड फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके सो अगर आप कंपेरिजन करोगे अदर सब्जेक्ट में, इफ यू टेक द फिजिक्स केमिस्ट्री, सो आई से दैट फिजिक्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट विज वेरी वेरी इजी। ओके बट फॉर दैट there are some points you should be remember. तो मैं पहले स्टार्ट करना चाहूंगा कि अगर मैंने साइंस लिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन डू इट। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल प्रिपेयरिंग द ऑल एग्जाम्स यू शुड बी अ वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, यू शुड बी अ वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वाइल स्टडिंग सब्जेक्ट और वाइल प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम्स you should have your own plan of study, you should have your own plan of study. अगर मुझे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ये हमारे मेन साइंस के सब्जेक्ट है, तो इनका मुझे प्रॉपर प्लान करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय टाइम फ्रेम्स, अकॉर्डिंग टू माय अवेलेबल 24 आवर्स में क्या है, तो उस अकॉर्डिंगली मुझे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करने के लिए टाइम फ्रेम करने के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए। ये आपका हो गया सेकेंड थिंग्स। ओके ये और ये आपको थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है, ये आपको थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है, देन ओनली यू कैन गेट सक्सेस इन दैट। ओके नाउ व्हेन दैट द एग्जाम्स डे इज कम एंड देन बिफोर दैट वन डे प्रायोर दैट एग्जाम्स यू हैव टू फोकस ऑन वॉट एवर यू हैव स्टडीड। ओके अगर मैंने सपोज चैप्टर्स इट इज रोटेशनल डायनामिक्स उसमें से मैंने कुछ डेरिवेशन किए हुए हैं इन केस ऑफ फिजिक्स, तो मैं उसमें से नया कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ूंगा या फिर नया कुछ आर्टिकल नहीं पढ़ूंगा, जो भी मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है वही पढ़ूंगा। तो ये आपकी बेसिक चीजें हो गई जो कि आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं। ओके नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस
In terms of physics, we know that physics, the 100 marks are there, and then combinations will be 70 plus 30, 70 marks for the theory and 30 marks for the practical. Okay, now I'll talk about the theory first, and then I'll go for the practical in terms of HSC board, Maharashtra State Board. Okay, so in theory, first of all, well, I'll say the first point that you have to summarize, you have to collect all the formulas from the all chapters, formulas, the basically the formulas are that there are 20, 30 formulas in one chapter. So you have to collect it, you have to write down in one particular paper, you can make one book for it, and just learn that formulas daily basis. You have to learn that formulas daily basis. Okay, so physics is related to formula, maths is related to formula. If you know the formulas, you can solve the numericals, you can score it. Okay, I'll give you one example. In a board exams, we have the 70 marks paper. Out of that, we have 20 to 25 marks for the numericals. If I'm not wrong, it is 20 to 25 marks are for the numericals. And the numericals are basically 1 marks, 2 marks, and 3 marks. 1 marks for the MCQ, 2 marks for the short answer types, and 3 marks for the long answer type. Okay, and if you know the formula, then you can easily score, if you know the formula, you can easily score 16 to 17 marks without doing any calculations, without doing any calculation. That means, suppose if I take the example of 2 marks numerical, in that, as per the board instructions, we have the division of marks, distribution of marks, 2 marks. Out of this, half marks will go for the correct formula, half mark will go for the correct the proper substitutions after converging the data. It can be in one system, SI or CGS. Okay, so half marks for the correct formula, half marks for the correct substitutions. If you know the calculation, you can do it. If you don't know, if you are getting the wrong answer, still you are getting 1 marks. Okay, so same thing can be done with the 3 marks numericals. So there is a chance of getting 2 marks out of the 3 marks by knowing the same things. Okay, so just we have to substitute the write down the formula, and then you have to substitute the proper data in that. Okay, so this is how we can score 16 to 17 marks in that particular theory. Second, now apart from this formula, you can make a list of the definitions, distinguish. Then the statement of laws, there is lot of definition in subject of physics. Then laws are there, then we have the distinguish between them. So you have to collect all this data together, and then you have to learn it. Okay, so while in a board exams, we need a proper definitions. If the definition is not as per the textbooks, or if it is not correct, then you will get directly 0 marks over there. So that is the second thing. Now, we can say the third topic, that is nothing but the derivations. That is nothing but the derivations. So again, you have to do the list of the derivations. Again, you have to do the list of the derivation and analyze that derivations and study them. What I can say, if I take the example of the in the chapter oscillations. Okay, where we have the derivation, let us say the kinetic energy of derive the kinetic energy of the rotational motions, or the derive the kinetic energy of the SHM. So over here, the same way, same derivations can be applicable for the torque, can be applicable for the angular momentum. Only there are some variable changing, but the process is same. So you have to correlate this derivation. No need to mug up, no need to bahat all these things. You have to just analyze it, write the steps, the important steps from that, and do the practice. Apart from this, there are graphs in the chapters. Okay, so you have to again study that graphs, do the practice for that graph. Okay, some there are some numericals, so there are some numerical based on this particular graph. So you have to do that practice. Okay, so this will help us to get a
maximum score in a subject. Apart from this, you have to solve the practice papers which are available in the market, or nowadays we are the online in the YouTube also they are available. So you have to do that. You have to take that practice paper, just solve it by your own. Take a time frame, 2 hours, 3 hours, solve it, just check it, and just submit it to your corresponding teachers and get it checked by the teachers, and just find out what are the corrections, how we can improve it, how we can score it. Okay, so this is the way we can do it. Apart from this, we can say the we can take the board exams paper last 2-3 years, March and October, or we can say nowadays we are talking about the July. So March and July, we can say 2 to 5 papers are sufficient. So this is how we can score for the theory exams. I'll say that if you do this way, you will definitely get out of 50 to 60 easily you can score. Okay, for study purpose, there is no any extra material required. You, if you focus on your textbook, because board basically asking questions based on the textbook only, either it may be numericals or the theory, it will be based on that particular book. So the board, for the board exams, the theory or the numericals, your textbooks is a sufficient. Okay, sir. Okay, so now apart from this, for the practicals also, we can have this same process. Hello? Yes, sir. Yes, sir, like, आवाज पहुंच रही है सर? आप आवाज आ रही है? हाँ सर, बोलिए। हाँ, जैसे कि अपने अभी बच्चों को मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कह रहे हैं कि आप बच्चों को, मतलब स्टूडेंट ने क्या क्या करना चाहिए, कि जैसे कि सर ने एक जो मॉरल बता रहा हूं मैं सर का, जब भी आप फिजिक्स की स्टडी करोगे तब आपको डेफिनेशन, उसके बाद में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है, फॉर्मूलेज अच्छी तरह से करना है, उसके बाद में आपको इसके न्यूमेरिकल, और टेक्स्ट बुक के जो सवाल है, जो पीछे सवाल देते हैं एक्सरसाइज में, वो सवाल भी उठाने हैं आपको। साथ में बच्चों, आपको साथ में जो सर ने कहा है कि कुछ थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी करना बहुत जरूरी होता है, साथ में सर का जो एक्सपीरियंस है, सर ने जो पेपर चेक किए हैं, सभी का एनालिसिस करते हुए सर ने आप लोगों को कुछ समय में बहुत सारी चीज इसमें दी है कि जो आप लोगों ने जो सवाल उठाने चाहिए, जैसे कि सर का कहना स्टेटमेंट हो, ग्राफ हो, एमसीक्यूज की भी थोड़ी फार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। साथ में आप लोगों को कुछ 2 मार्क के लिए सवाल होते हैं, जैसे कि डिफाइन द सरफेस टेंशन गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, करेक्ट है ना सर? Yes, 2 मार्क के लिए भी सवाल होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं। क्वेश्चंस पेपर बहुत इजी है, लेकिन बच्चों ने उस तरीके से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंस है। अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करोगे तो श्योर एंड शॉर्ट सर का कहना है आप 60+ जा सकते हैं आउट ऑफ 70, मतलब 90+ तो इजीली फिजिक्स में कोई भी बच्चा कर सकता है। उसके लिए रेगुलरिटी इंपॉर्टेंस ये है कि जो सर ने मेथड बताया, जो एनालिसिस करके बताया आपको पढ़ाई कैसे करना चाहिए, उस तरह से करोगे तो श्योर, मुझे लगता है सर आपने जो कहा है यही कहा है, और ऐसे ही बच्चे करेंगे। और इसके अलावा सर कुछ आप बच्चे को गाइडेंस करना चाहते हो तो कर सकते हो शॉर्ट टाइम में। ओके सर, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक टॉपिक जो डेरिवेशंस है उसके अंदर व्हाइल सॉल्विंग दैट डेरिवेशंस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। Suppose if there is a theorem that derive an expression for parallel axis theorem from the rotational dynamics. Okay, so over here, the diagram is also important. That diagrams will also contains half marks. Okay, and that diagram should be drawn with the help of pencil. Okay, if it is not there, straightforward, you will get half marks less. That means it is for 3 marks, you will get 2.5. That depends. Okay, if you solve entire the derivations, whether that derivation is correct, still you will get 2.5 marks because there is no diagrams. So diagram is important. Again, while writing the derivations, no need to write the entire explanation of that derivations. In books, the explanation is given is that will be a vast. Okay, so in simple words, you have to write down, consider a body which is rotating about an axis of rotations, the axis, and then coaxis is there. Okay, so in simple words, you have to write down that.
या सर का कहना यही है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन जो होता है वो कितने नंबर का है उसके ऊपर डिसाइड कर रहे हैं आपको, जैसे कि चार मार्क का सवाल रहा तो उसमें डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, डेरिवेशन देना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन वही सवाल अगर आपको पैरेलल एक्सिस का अगर क्वेश्चन आता है तो वो 3 मार्क के लिए शॉर्ट आउट करना है, तो उसके बीच की जो थ्योरी है पूरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डायग्राम ड्रॉ किए तो आपको हाफ मार्क और डेरिवेशन को आपको 2.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। बस सर का यही कहना है, करेक्ट है सर? यस। और मैं एक एडवाइस करना चाहूंगा कि बोर्ड का एक क्वेश्चंस पेपर चेक कर रहे तब एक मार्किंग स्कीम आता है दैट इज अवेलेबल विद द टीचर्स। ओके, एंड अगर आपके पास आपके टीचर्स है और वो पेपर चेक कराते हैं तो आप उनके रिक्वेस्ट करना कि उनका मार्किंग स्कीम आपको प्रोवाइड करे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस कैसे वो बोर्ड का करेक्शंस होता है, कैसे मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपको बहुत मैटर करता है आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। सर मैं थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ आपको, वैसे मेरे ख्याल से मार्केट में भी दिवाली अंक बोल के एक बुक्स अवेलेबल होती है एज पर माय व्यू। हाँ, तो उसमें जो टॉपर के जो आंसर शीट होती है वो भी होती है, उसमें मार्क्स भी देते, कौन से स्टेप को आधा मार्क है, 1 मार्क है, कौन से स्टेप को क्या है, तो ये भी आपको मार्केट में अवेलेबल बुक्स होंगी और उसमें से आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन उसके थ्रू कर सकते हो। तो सर ने हम लोगों को बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, बहुत अच्छा एनालिसिस किया है सर ने, बिल्कुल जो बच्चे टारगेट है जिन बच्चों का अबाउ 90-95-100 आउट ऑफ 100 भी ले सकते हैं, क्योंकि सर ने जो एनालिसिस किए उसके हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस होल्डर से मुझे ऐसा लगता है, सर आप बोल रहे हैं 90, मुझे यकीन है इस चैनल पे जितने भी बच्चे आएंगे वो आपके गाइडेंस के कारण 100% 95-100 मार्क्स लेने वाले हैं। श्योर, क्योंकि कमेंट भी आप लोग, हाँ बिल्कुल, 2 दिन में यही कमेंट मिलेंगे आपको। और आप इस चैनल को यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा गाइडेंस किया है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और दोबारा एक बार आपको टीचर डे के बधाई देना चाहता हूँ। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा है सर, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा आपने गाइडेंस किया है और बहुत ही अच्छा एनालिसिस करके बच्चों को आप लोगों ने मतलब गाइडेंस किया है। चलो थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद।